जिसमें उन्होंने क्रिस गेल, जिसमें उन्होंने एरन फिंच, बड़े बड़े टी ट्वेंटी के जो धुरंधर रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया एक बड़े माइलस्टोन के लिए। एक बात जरूर है कि दूसरी तरफ से बाबर आजम को कोई साथ नहीं मिला, अकेले जरूर पड़ गए बाबर आजम। बाबर आजम ने आज 10,000 टी ट्वेंटी रनों का जो है आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है आखिरकार, और इस पल का हम लोग बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबर का ना 10,000 रन बनेगा। हालांकि पिछले मैच में सिर्फ 6 रन से बाबर आजम जो है वो रह गए थे, चुक गए थे, और उम्मीद ये थी कि आज के मुकाबले में बाबर आजम जो है 6 रन तो बड़ी आसानी से मार ही लेंगे। 6 रन मारा, न सिर्फ 6 रन मारा बल्कि इस स्पेशल ओकेजन पे जो है बाबर आजम ने 10,000 टी ट्वेंटी रन बनाने के अलावा छक्का मार के अपना पूरा किया। पिछले मैच में भी ऐसा किया था, बहुत लंबा छक्का मारा था, और आज भी आगे बढ़ के बाबर आजम ने एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला उन्होंने जो है छक्का मारा और अपना 50 पूरा किया। याद रहे कि पेशावर जलमी के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हैं। बाबर आजम आज बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी भी वजह आपको बताएंगे क्यों सोशल मीडिया पर उनका नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया जिसमें उन्होंने विराट कोहली, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल, जिसमें उन्होंने एरन फिंच, बड़े बड़े टी ट्वेंटी के जो धुरंधर रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया एक बड़े माइलस्टोन के लिए। एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव करा, 72 रन की पारी खेली जब पेशावर वर्सेस कराची का ये गेम चल रहा था। पेशावर 154 पर ऑल आउट हो गई, जो टोटल आपको लग रहा है खिलाड़ी ने वहां पर 72 रन बनाए हैं, 51 गेंदों पर 72 बनाए बाबर आजम ने, वहां स्लो भी हो गए बाबर आखिर में थोड़ा सा, क्योंकि दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, विकटें गिरी जा रही थी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम ने T20 में तेज तरीन 10,000 रन मुकम्मल करते हुए क्रिस गेल और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड बाबर आजम ने PSL में आज खेले जाने वाले कराची किंग्स के खिलाफ मैच में पूरा किया है और क्रिकेट के बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे बाबर आजम की खूब तारीफें की जा रही हैं। भारतीय मीडिया का इस हवाले से मजीद क्या कहना है इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।